ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेडिकल लीगल इश्यूज़। मेडिकल लीगल इश्यूज़ यूनिट 15 का एक टॉपिक है। मेडिकल लीगल इश्यूज़ मतलब कि मेडिकली कोई भी लीगली कोई भी जो इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो फिर लीगली हमें डील करना पड़ता है, तो वो सारे इश्यूज़ जो है उससे हम अभी डील करते हैं। सबसे पहले है डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर, DNR। DNR का मतलब है डू नॉट रिससिटेट। रिससिटेट मतलब कि CPR देना जो होता है सबका राइट है, सारे पेशेंट्स का राइट है। जब उनका हार्ट बीट जो है अगर वो स्टॉप होने लग जाती है तो फिर रिससिटेट करते हैं, मतलब CPR देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जिस में अगर पहले से अगर डिसीजन लिया रखा होगा, अगर कोई भी ऐसा विल हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज़ें जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है उसमें फॉर्म्स वगैरह अगर साइन किया होगा कि अगर डू नॉट रिससिटेट मतलब CPR नहीं देना जब तक नॉर्मली जो है मेडिकली जो है उसका नेचुरली जो है पर्सन जो है पेशेंट जो है वो जी रहा होगा, नॉर्मली उसकी जब उसकी हार्ट बीट चल रही होगी तब तक ठीक है। लेकिन जब स्टॉप हो जाए तो अगर लिखा होगा कि मेरा इच्छा यही है कि रिससिटेट ना दे, मतलब CPR ना दे, तो वहाँ पे साइड में डू नॉट रिससिटेट वाला जो है DNR करके लिखा होगा, तो वहाँ पे क्या करना है, CPR नहीं देना है। वो पेशेंट का खुद का इच्छा होगा या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक का, या फिर अगर कोई भी नहीं है तो उनका जो लॉयर्स वगैरह होता है तो उनका दिस इज़ द डिसीजन ऑफ देम ओनली। तो व्हेन द क्लाइंट इज ईदर कोमाटोस मतलब कि कोमा में हो या फिर नियर डेथ, देयर शुड बी नॉलेज बाय द फिजिशियन एंड क्लाइंट्स फैमिली अबाउट द एक्शंस टू प्रोलोंग द क्लाइंट्स लाइफ। मतलब कि अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जिसमें पेशेंट जो है वो कोमा में हो, या फिर ऐसा कोई भी बीमारी जो बहुत सालों से चलता आ रहा हो, इसमें क्या है कि पेशेंट जो है वो आगे क्या है कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, या फिर उसमें क्या है लाइफ जो है आगे जी के भी उसका कोई मीनिंगफुल लाइफ नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे, DNR जो है उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकते हैं। उसे उनका इच्छा होता है कि अगर मैं मर रहा हूँगा तो फिर मुझे CPR नहीं देना, वो उसका राइट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड इज़ विल्स ऑफ द पेशेंट। विल्स मतलब जैसे लिखा जाता है लॉयर्स के साथ एक विटनेस होता है। विल में क्या होता है कि अगर जब भी पेशेंट जो है अगर आपने आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसका जो अभी डेथ होने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो इतने भी जायदाद हो गए या फिर कोई भी लीगली जो भी चीज़ें हैं अगर उसको उस टाइम पे अगर लिखना है तो फिर वहाँ पे एक विटनेस की बहुत ज़रूरत होती है। द विटनेस कैन बी ए नर्स ऑल्सो और डॉक्टर ऑल्सो, तो हेल्थ टीम में कोई भी मेम्बर जो है वो विटनेस हो सकता है। तो विल ऑफ द पेशेंट मतलब वेरियस कंट्रीज हैव लॉस रिगार्डिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटन एंड ओरल विल्स। Nurses are usually required to notify the physician and the nurse supervisor before acting as a witness and signing a will. मतलब कि बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है, या तो रिटन विल होता है या तो ओरल। ओरल मतलब जो नॉर्मली का एडवोकेट होगा, पेशेंट जो है अगर वो लिख सकता है तो वो लिख के वो विल बनाएगा, या फिर वो बोल रहा होगा तो लॉयर जो है उसको नोट कर रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, वो विल जो है वो ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके बनती है, विल जो है उस हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में बनती है जहाँ पे एक विटनेस होता है। विटनेस जो हेल्थ केयर टीम हो सकता है, अगर नर्स जो है नर्स इज़ अ विटनेस, तो नर्स जो है विटनेस बनने से पहले अपने जो फिजिशियन है उस वार्ड का जो फिजिशियन है उसको या फिर सुपरवाइज़र को पहले इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसी जो है ऐसे ऐसे बातें सिचुएशन है, तो वहाँ पर आई एम गोइंग टू बी अ विटनेस, तो ये जो है उनको इन्फॉर्म करना है वो चीज़ें जो है। तो इसमें विल जो है जैसे होती है कि जब कोई मरने वाला होता है तो फिर अपनी जायदाद जो है किसी के नाम करना है या फिर कोई भी चैरिटी में उनको ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसका विटनेस बनना। प्रोनाउंसमेंट ऑफ डेथ। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म लॉस टू प्रोटेक्ट द पब्लिक व्हेन डीलिंग विद इश्यूज़ ऑफ डेथ। प्रोनाउंसमेंट ऑफ डेथ मतलब कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर जो है जो फिजिशियन जो है वो बोल सकता है कि द पर्सन इज़ डेथ, मतलब कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ डेथ में अनाउंस करना कि वो पर्सन जो है वो डेथ हो गया उसका। जैसे क्या है, अगर CPR जब हम हार्ट बीट जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद रेस्पिरेशन जो है पूरा बंद हो जाए, या फिर ब्रेन के जो फंक्शंस जो है वो सब कुछ जो है उसके जो ग्राफ है वो सब कुछ बंद हो जाए, सारा सीस हो जाए, दैट इज़ द
देर इज़ द पॉइंट व्हेन जब बोलते हैं कि पर्सन जो है वो डेथ हो गया है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने बना रखा है, ऐसा नहीं कि अगर ये चीज़ें जो है अगर उसमें सिम्टम्स ये वाली चीज़ें नहीं दिखती है तो फिर उसको हम डेथ जो है वो बिल्कुल हम नहीं बोल सकते। ये सारी जो क्राइटेरियाज जो है सांसों का बंद हो जाना और हार्ट बीट स्टॉप हो जाना, ब्रेन फंक्शंस जो है अगर उसका हम लोग उसका ग्राफ में भी निकालते हैं तो फिर उसमें बिल्कुल भी एक लाइन आ जाना, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाना, तो यह सारी जो चीज़ें उससे ही हम बोलेंगे कि पर्सन का डेथ हुआ है। अगर इनमें से कुछ भी एक में भी नहीं आया है या फिर कोई भी ऐसे पॉजिटिव चीज़ें नहीं आई है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डेथ है, तो फिर उसको हम लोग डेथ नहीं माना जाएगा। वी विल ट्राई टू रिवाइव द पर्सन। उसके बाद केयर ऑफ डिसीज्ड, मतलब कि जो डेथ हो गया है उनका केयर कैसे करना है। When a client dies, the nurse is responsible to treat the deceased with respect and dignity. जब कोई मर जाता है, जब पेशेंट जो है जब मर जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है, हमें उसको डिग्निटी के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी केयर के साथ हमें एक उसको क्या करना है, उसको हैंडल करना है, उसको केयर करना है, ताकि क्या है कि उसको जो डेड पर्सन है उसका भी उसका एक ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुल जो चीज़ें ना दिखे, जो जो गुजर गए। जैसे कोई ज़िंदा होता है जब हम जितना डिग्निटी और रिस्पेक्ट देते हैं उतना ही हम रिस्पेक्ट और डिग्निटी दे जब इंसान जो है, जब पेशेंट जो है वो मर जाता है, तब भी उतने केयर से हम लोग प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि मर गया तो कुछ भी मतलब केयरफुलनेस ना दिखा के, अनकेयरनेस दिखा के, एकदम केयरलेसली हम काम कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उतना डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है और उतना केयर ऑफ हैंडल से बहुत आराम से हैंडल करना है उस चीज़ को। उसके बाद ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या है, एन ऑटोप्सी इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ इन केस ऑफ सस्पिशियस डेथ और द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ऑटोप्सी हम कब करते हैं, जब सस्पिशियस होती है, जब ऐसा होता है कि डेथ हुआ है, तो फिर अगर उसका रीज़न जो है हमें बिल्कुल सही ना लगे, फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को, या फिर जो भी विटनेस है वहाँ पे, मेनली क्या है फैमिली वाले ही होते हैं, तो उसमें क्या अगर उनको रीज़न जो है सही ना लगे तो वो लोग क्या करते हैं, ऑटोप्सी करवा दे ताकि उनका कॉज जाने कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, या फिर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर है तो उसको जानने के लिए भी ऑटोप्सी करते हैं। उसके बाद ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन में क्या है, द डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन इज मैटर दैट रिक्वायर्स अ फैमिली ऑफ द डिसीज्ड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंड प्रोसेस फॉर ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन करते वक्त जो डिसीज्ड है या फैमिली वालों को और जो मरने वाला है उसको पता होना चाहिए कि उसका ऑर्गन जो है वो डोनेट होने जा रहा है। उसके बाद ये जो कंसर्न लेटर्स जो होती है, कंसर्न लेटर्स जो होती है वो सारा क्या करना है, पहले ही साइन करके रखना है, उनको समझाना है कि क्या चीज़ कैसा होना है और उसके क्राइटेरिया क्या है, क्या नहीं है, प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे, तो सारी जो चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए। और एक लीगली क्या है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसके बाद इथेनेशिया। इथेनेशिया मतलब कि मर्सी किलिंग, दिस मीन्स ईजी और पेनलेस डेथ। मतलब कि इथेनेशिया मर्सी किलिंग मतलब कि पेशेंट के जो मर्सी किलिंग मतलब कि पेशेंट जो है ऐसे कंडीशन में है कि वो आगे लाइफ जो है वो मीनिंगफुल लाइफ ना मतलब निकाल नहीं पाए, या फिर बहुत टाइम से ऐसा है कि वेंटिलेटर में है, दो तीन चार सालों से वेंटिलेटर में है, लाइफ सपोर्ट में है, और उसमें क्या है कि वो मेडिकली सपोर्ट में है, अपनी नेचुरली कोई भी उसको कोई सांस भी ले रहा है तो वेंटिलेटर के थ्रू ले रहा है, खाना भी खा रहा है तो एन जी ट्यूब के थ्रू खा रहा है, तो एक क्या है कि बस चल रहा है, उसमें कोई नेचुरली उसके बॉडी में क्या है, उसके बॉडी में कोई भी चीज़ें जो है लग नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डॉक्टर जो होता है वहाँ पे वो लीगली कोर्ट में जाके वह बहुत सारा परमिशंस लेने होते हैं। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो क्या करेंगे, या तो उसको जो पेशेंट है उनको कोई ऐसा दवाई दे देंगे, कोई ऐसा ड्रग जो है वो दे देंगे जिससे वो पेनलेसली वो मर जाए आराम से, या फिर जितने भी उसके लाइफ सपोर्ट्स हैं उनको निकाल दे, क्योंकि क्या है मर्सी किलिंग मतलब कि इच्छा से, पेशेंट की इच्छा नहीं, ये जो पेशेंट का भी हो सकता है या फिर फिजिशियन जो है अगर उसको दिख रहा है कि हाँ पेशेंट जो है आगे जाके उसका लाइफ जो है मीनिंगफुलेस ले रहेगा,
तो फिर उसमें उनकी इच्छा से ही ऐसा नहीं कि वो गुजर गए हैं, लेकिन गुजर पेशेंट जो है ऐसा भी नहीं मर्डर है, बट क्या है यहाँ पे इच्छा से मरना जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं, कोमा में अगर जब पेशेंट होता है तो 2-3 साल, 4-5-6-10 साल, 15 साल तक क्या होता है वेंटिलेटर्स में, लाइफ सपोर्ट में, मास्क लगा होगा सब कुछ, उसमें उसका बॉडी जो है फंक्शन बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, लेकिन बस उसको जीने के लिए पूरा लाइफ सपोर्ट दे रखा होगा, तो उसका क्या है कि उसका मीनिंगफुल लाइफ बिल्कुल भी नहीं। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, मर्सी किलिंग। वहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर्स जो है या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वो लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि इसको अभी इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है अब इस चीज़ को यहीं पे रोक देते हैं। तो या तो उसके लाइफ सपोर्ट सब कुछ निकाल देंगे या फिर कोई भी ऐसा दवाई जो है वो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि वो आराम से उसका डेथ हो जाए। इसमें बहुत सारे रेप केसेस हो गया, बर्न वाला हो गया, बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें असॉल्ट वगैरह हो गया, तो जितने भी एसिड अटैक्स वगैरह हो गया, तो ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं जिनका जीने का पैरालिसिस वगैरह हो गया, जिनका हाथ पैर कट गए हैं वैसे वाले जो हो गए, तो इनका क्या लाइफ जो होता है जीने के बाद भी इनका बहुत ज़्यादा जो पेन में होता है आगे जाके, क्या है जीने के बाद भी उनका लाइफ जो है बहुत मीनिंगलेस होगी। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, डॉक्टर्स या फैमिली जो है वो बोल देते हैं कि हमें अभी इसको क्या है कि वी वन द वो हमें मर्सी किलिंग वाला जो हमें इथेनेशिया जो हम बोलते हैं वो वाली चीज़ें जो है हमें चाहिए, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है वट एवर द पर्सन जो उनके लगता है वो ऐसे लाइफ जिए। सो वी वन मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब कि मर्सी दया दिखाना, तो दया दिखा के जिसको मार देते हैं दैट इज़ नॉट मार देना, मतलब उसको एक तरीके से कोर्ट में लीगली उसका वो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होती है, परमिशंस वगैरह लेना होता है, तो उसको कहते हैं इथेनेशिया। उसके बाद है एडवांस डायरेक्टिव्स। एडवांस डायरेक्टिव्स मतलब एडवांस डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स इज डायरेक्शन, मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे एंड एडवांस डायरेक्टिव्स टेल्स द हेल्थ केयर टीम व्हाट काइंड ऑफ केयर द पेशेंट वुड लाइक टू हैव, मतलब कि एक ऐसा डायरेक्शन देना है हेल्थ केयर टीम जो भी है वहाँ पे, जो भी टीम से वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको एक डायरेक्शन देना कि उनको किस किस तरीके का उनको केयर चाहिए। जैसे अगर बोल देंगे कि मुझे जैसे DNR CPR नहीं चाहिए, तो ये उनका एडवांसली उनको बोल के रखेंगे कि मुझे CPR मत दो, अगर मैं नेचुरली अगर जी रहा तो ठीक है, बट मेरे को ऐसा CPR नहीं चाहिए, या फिर क्या NG ट्यूब हटा देना, या फिर क्या बोलेंगे बहुत सारी सी चीज़ें, जैसे कोमा वाले जो पेशेंट्स हैं अगर उनका फैमिली मेम्बर्स अगर है तो ठीक है, अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो वकील वगैरह जो होते हैं वो लोग भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनके क्लाइंट के साथ उनको कौन कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो ये जो है एडवांस डायरेक्टिव्स में आती है। उसके बाद दूसरा है अदर मेडिकल लीगल इश्यूज़, मतलब कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि मेडिकली और मेडिकल लीगल्स मतलब कि लीगली जो है जो हमें काम करना बहुत ज़रूरी। नॉर्मली ऐसा है कि किसी को बुखार है, जो किसी का पेट दर्द है, तो वो पेशेंट जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका पूरा लीगली देखना है, ये करना है, वो करना, नॉर्मली आएगा वो पेशेंट को अगर हम प्रेस्क्राइब कर देंगे भेज देंगे, मगर इसमें क्या होता है कि हमें पुलिस वगैरह को हम लोग को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, लॉ के हिसाब से फॉर्म्स वगैरह, कंसेंट वगैरह, उसके परमिशंस वगैरह, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जहाँ पे कोर्ट की ज़रूरत हो। ऐसे वाले जो इश्यूज़ है वो है अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन एल्डरली और स्पाउस। अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन अगर बच्चों का अगर गलत तरीके से अगर कोई भी ऐसा केसेस आ जैसे बच्चों का भी रेप हो जाता है, तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं या फिर एल्डरली के साथ अब्यूज़, मतलब कि जो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं जायदाद के लिए उनके बच्चे जो है उनको बहुत मिसबिहेव करके बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद उनका शायद लड़ाई झगड़े में उनको चोट लग गई हो, ऐसे वाला, या फिर क्या होता है स्पाउस जो वर्ड यूज़ हुआ दैट इज़ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ को बोलते हैं स्पाउसेस। तो फिर अगर हस्बैंड ने अगर डाउरी के लिए अगर वाइफ को बहुत ज़्यादा पीटा हो, इतना पीटा हो कि पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होके आया हो, तो ऐसा जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग क्या कोर्ट कचहरी का जो हम लोग हैं पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ये है मेडिकल लीगल इश्यूज़। उसके बाद ड्रग रिलेटेड इंजरी, मतलब ड्रग रिलेटेड इंजरी में क्या है, अगर पेशेंट ने अगर बहुत सारा सुसाइड अटैम्प करने के चक्कर में फिनाइल पी लिया हो या फिर ऐसा कोई स्लीपिंग पिल्स बहुत सारे खा लिया हो ऐसा, लेकिन कोई भी जो ड्रग है जो बहुत सारा खा लिया हो अपने आप को मारने के लिए, इंजरी करने के लिए, या तो सुसाइड में या फिर कोई और पर्सन जो है मर्डर करने के लिए, उसको किल करने के लिए बहुत सारा दवाई जो है अगर दे देता हो, ओवरडोज कर देता हो दवाइयों का, दैट इज़ नोन एज ड्रग रिलेटेड इंजरी। तो ऐसे टाइम में भी हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे।
उसके ऊपर अननोन कॉज ऑफ डेथ, मतलब कि कोई भी ऐसा पेशेंट आया हो जहाँ पर जिसका डेथ जो है अननोन हो, कुछ पता ही ना चले। इवन कभी कभी क्या होता है, पोस्टमार्टम करने के बाद भी पेशेंट जब आ जाता है वहाँ हॉस्पिटल में, तब क्या होता है मरा हुआ आता है। ऑटोप्सी करने के बाद भी हमें पता नहीं चलता, ऐसी चीज़ों में क्या करेंगे, वी विल इन्फॉर्म द पुलिस और पुलिस जो है आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद सुसाइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो भी मेडिकल लीगल इश्यूज़ में आते हैं। वायलेंट डेड मतलब कि किसी ने बहुत गलत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह जो वहाँ पे होती है, जहाँ पे चाकू मार देना या फिर ऊपर से धक्का मार देना, बहुत वायलेंटली जो डेथ होती है दैट, वो भी हम लोग क्या करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद पॉइजनिंग, जहर किसी को दे देना, खाने पे हो गया या फिर किसी भी चीज़ में हो गया, कुछ कुछ जहर ऐसे होती है कि उसको हम टच भी करेंगे तो फिर वो जहर जो है बॉडी में फैल जाती है थ्रू द स्किन, स्किन जो उसको एब्जॉर्ब कर देती है। तो ऐसे चीज़ों में भी क्या है, पॉइजनिंग वाले जो केसेस होते हैं उसमें भी हम लोग पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, चाहे वो पॉइजनिंग जो है वो नॉर्मल वाला जो फिनाइल पी के आते हैं, ऐसे जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका भी हम लोग को पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ये सब इसलिए इन्फॉर्म करें ताकि आगे जाके अगर कुछ भी होता हो तो फिर क्या है, हेल्थ केयर के ऊपर जो है, इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है वो चीज़ें जो है ना आए, तो दैट इज़ द रीज़न। उसके बाद एक्सीडेंट्स, बहुत कार एक्सीडेंट्स हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो वो सारे जो एक्सीडेंट, ऐसा नहीं कि कार एक्सीडेंट ही हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट जैसे गलती से अगर ऊपर से छत से अगर गिर गया वो भी एक एक्सीडेंट ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड, जो एक्सीडेंट से रिलेटेड जो पेशेंट्स आएंगे उनको भी हम क्या करेंगे, पहले हम पूछेंगे। ये जितने भी आएंगे, कुछ चोट ऐसी होती है कि हम लोग को पता होता है, देख के पता होता है कि कुछ चीज़ ऐसा हुआ है, जहाँ पे आपने सस्पेक्ट कर लिया, अगर सामने वाला अगर बंदा जो भी लेके आएगा उसने झूठ भी बोला, तो फिर क्या होता है कि हमें चोट जो है देख के हमें पता लग जाता है कि हाँ ये गलत बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, कि चोट वैसे वाली चोट नहीं है, ये चोट कुछ और ही स्टोरी बता रहा है। जिसमें आपको ऐसा शक हो वहाँ पे आपने क्या करना है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना है आके, ताकि वहाँ पे जब क्या है वहाँ पे जो हेल्थ केयर टीम जो है उनके बीच और जो सामने वाला जिसको पेशेंट को लेके आए हैं, पेशेंट के लोग जो है उनके बीच में क्या हो, टकराव ना हो, तो वहाँ पे क्या है एक टेंस माहौल ना हो। इसलिए हम लोग पहले से ही क्या करेंगे, अगर हमें शक है कि झूठ बोल रहा है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पुलिस को हम पहले इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद ये लास्ट वाला यही है, सस्पिशन ऑफ क्रिमिनल एक्शन यही था अभी मैंने आपको जो बोला था, कि अगर शक है हमें कि जो बोला गया है कि ये लग गई है, दरवाजे से लग गई है, या फिर कुछ भी किसी भी रीज़न से अगर वो लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, लेकिन अगर हमें पता है कि कट अगर कुछ भी लगती है, या फिर कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट जब करते हैं, या फिर अब सुसाइड नहीं है ये मर्डर है, अगर हमें सस्पेक्ट है तो फिर हम क्या करेंगे, पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारे जो रीज़न्स है, ये जो है मेडिकल लीगल इश्यूज़ जो है, जहाँ पे हमें कोर्ट से और पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना और उनका विटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।